भरवा करेले बनाने का कोई और तरीका पसंद नहीं आएगा आपको इसके सामने, क्योंकि जो करेले है ना वो आपके कड़वे भी नहीं बनेंगे इस तरीके से, साथ ही स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कोई धागा भी नहीं बांधा है, फिर भी स्टफिंग बिल्कुल करेले के अंदर अच्छे से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। सबसे पहले तो इन्हें आपको बहुत ही अच्छे से धो लेना है, अच्छे से हाथ से इस तरह रगड़ रगड़ कर इनको धोएंगे। अब करेलों को छीलना है। सबसे पहले आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे इसे और इस तरह स्क्रैच करते हुए छीलेंगे। हो सके तो आप नाइफ से ही छीलें, अगर आप पीलर से छीलते हैं तो जो स्किन है वो ज्यादा निकल जाती है पीलर से करेले की। सभी करेले छीलने के बाद अब ये जो छिलके बचे हुए हैं करेले के उनको आपको फेंकना नहीं है, इन्हें भी हम यूज करेंगे स्टफिंग में। और ये छिलके कड़वे होते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप इन्हें नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख देंगे ऐसे ही। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, अब इन्हें रख दूंगी मैं अलग प्लेट में। अब ये जो करेले हैं इनमें स्टफिंग करने के लिए कट लगाना है, तो आप इस तरह से कट लगाएं, बिल्कुल करेले के जॉइंट से कट ना लगाएं, हल्का सा बीच में से लगाएं। और मैं इसके बीज भी निकाल दूंगी। वैसे तो बीज के साथ भी आप स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीज है ना इनको भी मैं स्टफिंग में यूज करूंगी। इस तरीके से जो हम स्टफिंग करेंगे ना तो ज्यादा अमाउंट में स्टफिंग कर पाएंगे करेले के अंदर। करेले के ऊपर भी इस तरह से नमक लगा देंगे। नमक लगाने से करेले का कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है। सभी करेलों में इसी तरह से मैंने कट लगाकर बीज निकाल दिए हैं और नमक लगाकर रख दिया है। अब इन्हें लगभग 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढककर रख दूंगी। और ये जो बीज बचे हुए हैं ना इनके ऊपर भी थोड़ा सा नमक डालकर मैं जो छिलके वाली प्लेट है उसी में रख दूंगी साथ में ही। 15 मिनट के बाद ये जो करेले हैं इनको पहले अच्छे से धो लेंगे। करेलों को हल्के हाथ से इस तरह निचोड़ कर निकाल लेंगे प्लेट में। इसके बाद ये जो बीज और छिलके हैं इनको भी धो लेंगे पानी से अच्छे से। ये मैंने निकाल लिया है बीज और छिलकों को एक छलनी में। अब कढ़ाई में डालेंगे लगभग 2 कप पानी और ऊपर से रखेंगे इस तरह की कोई प्लेट और इसमें रख देंगे करेले। हमें करेलों को भाप में पकाना है लगभग 10 से 15 मिनट तक। इससे जो हमारे करेले हैं ना वो कड़वे नहीं बनते हैं, साथ ही जब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो इन्हें पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब तक कर लेंगे मसाला तैयार। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली जिनको इस तरह रफली कट कर लिया है। खट्टे टेस्ट के लिए मैंने ये कच्चा आम लिया है, आप चाहे तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं। इसे कट करके डालेंगे पीसेस में। 8 से 10 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने रफली कट करके डाला है। हरी मिर्च, धनिया पाउडर लगभग 1.5 बड़ा चम्मच, साथ में डालेंगे सौंफ 2 बड़ा चम्मच, जीरा 1 छोटी चम्मच, थोड़ी सी हींग, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। ध्यान रखें पानी आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है। और ये जार में थोड़ा सा ज्यादा मसाला हो गया है तो मैं इसे 2 बार में पीसने वाली हूं। पीसने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है एक बोल में और इसी जार में जो छिलके और बीज थे उन्हें भी डालकर पीसेंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक आपको इन्हें नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसे। पैन में डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसमें डालेंगे दरदरे पिसे हुए बीज और ये छिलके,
आप चाहे तो इन्हें बिना पीसे हुए भी डाल सकते हैं मसाले में, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और इन्हें पहले भून लेंगे कुछ देर के लिए ऑयल में। हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है इनका, इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला और मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। मसाले को बिल्कुल अच्छे से मैंने भून लिया है। अब कर देंगे गैस को ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तब तक जो हमने करेले स्टीम करने के लिए रखे थे, लगभग 15 मिनट हो गए हैं उनको रखे हुए भी, गैस को ऑफ कर देंगे और इन करेलों को निकाल लेंगे इसमें से। करेले और स्टफिंग जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद स्टफिंग करना शुरू करेंगे। तो करेले में स्टफिंग भरते टाइम ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भी ना भरें, मतलब इतनी स्टफिंग भरें कि जो करेला है वो अच्छे से स्टफिंग को कवर कर ले, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। करेलों को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया है, इनमें एक एक करके रखेंगे करेलों को। थोड़ा सा पैन को इस तरह से हिला देंगे जिससे कि जो करेले हैं वो ऑयल से अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब इन्हें हमें फ्राई करना है, हल्का सा गोल्डन हो जाए ये तब तक, और बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे। ये आप देख सकते हो कि जो मसाला है ना वो बिल्कुल निकल नहीं रहा है करेले से बाहर, ये मैं पलट रही हूं फिर भी। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं करेलों को फ्राई होते हुए, लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें फ्राई किया है और कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। बस इतना ही इन्हें फ्राई करेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे ऑयल में से, और ऑयल जो बचा हुआ है ना इसको हम तड़के में यूज कर सकते हैं, दाल में या सब्जी में। जरूर ट्राई करके देखें इस भरवा करेले की रेसिपी को, आप बार बार बनाओगे इसी तरीके से भरवा करेले, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।